हेलो स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं हीट एंड टेम्परेचर का पार्ट टू। प्रीवियस क्लास में हमने थर्मोमीटर के बारे में, हीट के बारे में और टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था। आज के क्लास में हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ट्रांसफ़र ऑफ टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफ़र ऑफ हीट। हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है? When two bodies are brought into contact, heat flows from the body at higher temperature to other body at lower temperature. आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लास में भी कि जब दो बॉडीज़ को कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो हीट हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। सच ए ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी कंटिन्यूज टू टेक प्लेस स्टिल बॉथ अटेन सेम टेम्परेचर। और ये हीट कब तक फ्लो होती है? जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इट टेक प्लेस थ्रू कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। और हीट ट्रांसफ़र तीन प्रोसेस से होती है, या तो कंडक्शन होगा, या कन्वेक्शन होगा, या फिर रेडिएशन के थ्रू हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। या फिर आप कह सकते हो हीट फ्लो होने की तीन प्रोसेस हो सकती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो हीट ट्रांसफ़र की फर्स्ट प्रोसेस है कंडक्शन, ट्रांसफ़र ऑफ हीट इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में जब हीट का ट्रांसफ़र होता है तो वो कंडक्शन की प्रोसेस से होता है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन और ट्रांसफ़र ऑफ हीट एनर्जी इन सॉलिड्स विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है, जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं उनमें मूवमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट हीट एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में विदाउट एनी चेंज ऑफ देयर पोजिशन इज कॉल्ड कंडक्शन। अब हम डिटेल में देखते हैं कि कंडक्शन की प्रोसेस क्या होती है। व्हेन वी हीट वन एंड ऑफ मेटल रोड बाय कीपिंग इट ओवर अ गैस बर्नर वी फाइंड दैट इट अदर हैंड आल्सो बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम्स। आपने देखा होगा कि अगर आप एक लोहे की छड़ लोगे और उसको बर्नर पर गर्म करोगे तो जो गर्म कर रहे हो वो पॉइंट जो है वहाँ से लेके जहाँ से आपने पकड़ रखा है उसको, वो पॉइंट भी गर्म हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि हीट फ्लो तो करती है। कैसे करती है? विदाउट एनी, अगर उसमें कोई भी पार्टिकल में मोमेंट नहीं हो रहा है, जैसे लोहे की छड़ है उसके पार्टिकल्स में कोई भी मूव नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हीट क्या है, एक एंड से दूसरे एंड पर आ रही है, तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, कंडक्शन। यहाँ से देखो कंडक्शन क्या होगा, जब हम कोई भी रोड है उसको गर्म करेंगे, उसका एक सिरा गर्म करेंगे, तो जो वाइब्रेशन की प्रोसेस हो उसमें क्या होगा, उनके पार्टिकल्स के बीच वाइब्रेशन होगा और हॉट रीजन से जो हीट है वो ट्रैवल करेगी कोल्ड रीजन की तरफ, मतलब दूसरा सिरा भी क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। और हीट कब तक फ्लो होगी, जब तक दोनों सिरे में सेम टेम्परेचर ना हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुकिंग इज़ मेनली डन बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। हम खाना बनाते हैं, वो प्रोसेस भी क्या होती है, कंडक्शन होती है, क्योंकि जिस भी कंटेनर में या जिस भी प्लेट में, जिस भी बर्तन में आप खाना पका रहे हो वो क्या होगा, पहले गर्म होगा। वो जब तक पूरा गर्म नहीं होगा खाना नहीं पकेगा। इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट द कंडक्शन ऑफ हीट स्टॉप व्हेन देयर इज टू ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट और द टू पार्ट्स ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट हैव अटेंड सेम टेम्परेचर। दिस कैन बी ऑब्जर्व वाइल मेजरिंग द टेम्परेचर। कब होगा ये कंडक्शन की प्रोसेस, जब कोई दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आए। बिना कॉन्टैक्ट के तो ये प्रोसेस होगी नहीं, जब दो ऑब्जेक्ट आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं तो कंडक्शन की प्रोसेस होती है। अब है गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। गुड और बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं? अमंग सॉलिड्स, मेटल्स एंड देयर अलॉयज आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर किसको बोलते हैं, जो हीट को फ्लो करवा दे वो गुड कंडक्टर, और जो अपने अंदर से हीट को फ्लो नहीं करवाए वो बैड कंडक्टर। तो जो मेटल्स और उनके अलॉयज होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, क्योंकि मेटल्स में से हीट को फ्लो करवा सकते हैं। नॉन मेटल्स आर इन जनरल बैड कंडक्टर ऑफ हीट, और नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। और बैड कंडक्टर मीन्स दैट ही डज नॉट ट्रैवल थ्रू देम। हीट क्या होगी, उसमें से ट्रैवल नहीं करेगी।
materials which allow heat to be conducted through them easily are called conductors. जो हीट को फ्लो करवा देते हैं वो क्या होते हैं? कंडक्टर्स और गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स. और जो हीट को फ्लो नहीं करवाते हैं उनको या तो बैड कंडक्टर कहा जाता है या फिर उसका अदर नेम होता है इंसुलेटर्स. लिक्विड्स एंड गैसेज इन जनरल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. लिक्विड और गैस क्या होती है? पुअर कंडक्टर या फिर इंसुलेटर होती है हीट की. ओनली मरकरी इज एन एक्सेप्शन. मरकरी क्या है? एक्सेप्शन होती है. ये लिक्विड फॉर्म में होती है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होते हुए भी ये हीट को कंडक्ट करवा देती है, कंडक्टर की तरह काम करती है. ग्लास, प्लास्टिक, रबर, वुड, वूल, फैब्रिक, कॉर्क, पेपर, इन पर हीट फ्लो नहीं होती है इसलिए इनको इंसुलेटर या बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कहा जाता है. ये एग्जांपल हो जाएंगे इंसुलेटर के. यहाँ पर 5-5 एग्जांपल दे रखे हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के. तो 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स कौन कौन से होंगे? सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील और सी वाटर. सी वाटर सॉल्टी नेचर का होता है, उसमें आयंस होते हैं, फ्री आयंस होते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले आयंस होते हैं, इसलिए उसमें हीट फ्लो कर जाती है. तो सबसे अच्छे जो कंडक्टर्स होते हैं वो यही होते हैं, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, स्टील, ठीक है. और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर की बात करें या बैड कंडक्टर की बात करें तो क्या क्या आएगा? जैसे कोई प्लास्टिक का सामान, ग्लास, ऑयल, रबर, डायमंड या फिर लकड़ी. और लकड़ी क्या होनी चाहिए? ड्राई वुड होनी चाहिए, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, क्योंकि गीली लकड़ी में वाटर प्रेजेंट होता है तो उससे करंट आ सकता है, हीट फ्लो या इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो हो सकता है. तो ड्राई वुड भी क्या हो जाएगा? इंसुलेटर हो जाएगा या बैड कंडक्टर हो जाएगा. यहाँ पर एक प्लग का डायग्राम दे रखा है जिसमें जो प्लास्टिक वाला पार्ट है वो तो क्या है? इंसुलेटर है, मतलब बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है. ये इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को फ्लो होने नहीं देगा. आपने कई बार देखा होगा जिसको करंट लगता है तो उसको किससे हटाते हैं? लकड़ी या प्लास्टिक की छड़ से हटाते हैं, क्योंकि अगर आप लोहे की छड़ का यूज़ करोगे तो आपको भी करंट आ सकता है. इसीलिए रबड़ और प्लास्टिक की इन पर कोटिंग की जाती है, लेयर लगाई जाती है जिससे बाहर की तरफ हीट फ्लो ना हो. और जो इनकी पिन है, जैसे 3 पिंस दे रखी हैं, वो क्या है? कंडक्टर्स है, क्योंकि इनमें हीट फ्लो होती है. कोई भी प्लग से आप किसी भी सामान को जैसे अटैच करते हो, चाहे वो कूलर हो, टीवी हो, और फिर आप उनको स्विच में लगाते हो तो क्या होता है? हीट फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है. तो करंट फ्लो होगा तो क्या होगा? किस में फ्लो होगा? कंडक्टर्स में ही होगा. तो ये क्या हो जाएंगे? कंडक्टर्स. अब नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. आखिर ये कंडक्टर और इंसुलेटर हमारे किस तरह काम आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है कुकिंग यूटेंसिल्स. आपने देखा होगा कि जो आपके बर्तन हैं घर में खाना पकाने वाले, वो मेटल से बने होते हैं, स्टील से, कॉपर के, पीतल के, ठीक है. क्यों बने होते हैं वो मेटल के? ताकि वो आसानी से गर्म हो सके, उनमें हीट फ्लो हो सके. कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स बिकॉज हीट टू बी ट्रांसफर्ड क्विकली, यूनिफॉर्मली एंड इफेक्शनली फ्रॉम द फ्लेम टू द फूड, ठीक है. इसका मतलब है अगर आप बर्नर पर उस बर्तन को रखोगे तो उस बर्नर से जो फायर आग निकल रही है वो क्या करेगी? उस बर्तन को गर्म कर देगी और आपका खाना पक जाएगा. यहाँ कंडक्शन की प्रोसेस हो जाएगी. सम यूटेंसिल्स इवन हैव कॉपर वेसेस एज कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन अ स्टील और एल्यूमिनियम. आपने देखा होगा कि कई बर्तनों पर नीचे कॉपर की क्लोटिंग होती है या कॉपर की लेयर होती है, कॉपर का बेस होता है, जिससे क्या हो वो जल्दी से गर्म हो जाए, क्योंकि कॉपर बेटर कंडक्टर होता है कंपैरिजन टू स्टील और एल्यूमिनियम. सेकंड एप्लीकेशन है इसका द हैंडल्स ऑफ मोस्ट यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ वुड और प्लास्टिक. बोथ वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. इवन व्हेन यूटेंसिल्स आर हॉट वी कैन होल्ड द हैंडल विद बेयर हैंड्स एंड रिमूव देम फ्रॉम द फ्लेम. इसमें बताया गया है कि जो बर्तन होते हैं खाना पकाने वाले, उनके आपने हैंडल को नोट किया होगा, हैंडल किसके बने होते हैं? या तो लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के.
क्यों? क्योंकि प्लास्टिक और वुड जो है वो बैड कंडक्टर है, उनमें हीट फ्लो नहीं होती और वो गर्म नहीं होते। तो अगर गर्म बर्तन है आपको उसको उठाना है तो आप उसको हैंडल से पकड़ के उठाओगे, क्योंकि आपको पता है हैंडल क्या है, या तो प्लास्टिक का बना हुआ है या फिर लकड़ी का बना हुआ है, और उसमें ना तो हीट फ्लो होगी और वो ना गर्म होगा। तो ये भी एक अच्छा यूज़ है कंडक्टर्स और इंसुलेटर का। थर्ड एप्लीकेशन है कुकिंग कॉइल्स एट द बैक ऑफ रेफ्रिजरेटर्स मेड अप ऑफ कॉपर सो दैट दे कैन रेडिली कंडक्ट अवे हीट। जो कुकिंग कूलिंग कॉइल्स होते हैं फ्रीज में लगे होते हैं, वो क्या करके रखते हैं, अंदर का टेम्परेचर कूल करके रखते हैं और बाहर को हीट को अवे करते हैं, मतलब बाहर की साइड उसको हीट को फ्लो करवा देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वॉल एंड डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स हैव टू लेयर विद इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन बिटवीन देम। दिस मटेरियल्स प्रिवेंट्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग टू एंटर द रेफ्रिजरेटर। आपने देखा होगा जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रीज होते हैं, उनकी वॉल और उनके डोर्स जो होते हैं उन पर दो लेयर के इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगे होते हैं, ताकि वो मटेरियल्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, बचाव करते हैं हीट से जो बाहर से अंदर की तरफ आती है रेफ्रिजरेटर के, तो उसको वो रोकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन है रूफ्स एंड शेड्स ऑफ हाउसेस आर मेड अप ऑफ एस्बेस्टस शीट्स और क्ले टाइल्स एज दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो छत होती है उनकी शेड वगैरह किससे बनी होती है, एस्बेस्टस शीट से या फिर क्ले टाइल से। क्यों? क्योंकि बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। और अगर इनकी जगह एल्यूमिनियम की या आयरन की शीट यूज़ की जाती है शेड बनाने के लिए, तो वो क्या होती है, कंडक्ट करती है हीट को, वो बहुत ज़्यादा हीट को अब्सॉर्ब करेगी और गर्म हो जाएगी। सो द शेडेड ऑफ हाउसेस वुड बिकम अनबियरेबली हॉट इन समर्स एंड वेरी कॉल्ड इन विंटर्स। तो समर्स में क्या रहेगी, वो शेड्स बहुत ज़्यादा गर्म रहेगी अगर शेड को बनाने में एल्यूमिनियम और आयरन का यूज़ किया गया है। और अगर वो शेड या वो रूफ क्ले टाइल्स या फिर एस्बेस्टस शीट्स की बनी होती हैं, जो बैड कंडक्टर्स हैं हीट के उनकी बनी होती है, तो वो सही रहेगी कंडक्टर के लिए, हीट के लिए। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर एंड फील वार्म बिकॉज वुलन फाइबर्स कंटेन एयर ट्रैप्ड बिटवीन देम। हम सर्दियों में क्या करते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, ऊन से बने हुए गर्म कपड़े पहनते हैं, ताकि हम गर्मी फील कर सकें, हमें ठंड ना लगे, क्योंकि वुलन फाइबर्स जो होते हैं वो एयर को ट्रैप कर देते हैं, एयर को आने से रोक देते हैं, जिससे जो कपड़ा है वुलन कपड़ा है उसका टेम्परेचर गर्म रहता है। सिंस एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, एयर क्या है, बैड कंडक्टर होती है हीट की, सो इट डज नॉट अलाउ द बॉडी हीट टू फ्लो आउटवर्ड्स, और वी कैन से दैट वुलन क्लोथ्स प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द सराउंडिंग। और ये एयर क्या करती है, जो हमारी बॉडी की हीट है, हमारी बॉडी से जो हीट निकलती है उसको बाहर की साइड सराउंडिंग में मिलने से रोकती है, और हम क्या रहते हैं, वुलन क्लोथ्स में गर्म फील करते हैं, वार्म फील करते हैं। और ये जो वुलन क्लोथ्स हैं वो हीट के ट्रांसफ़र को रोकते हैं, मतलब हीट को हमारी बॉडी से सराउंडिंग में मिलने से रोकते हैं, एंड डज कीप अस वार्म, और हमें गर्म रखते हैं। सो डज द फर हेयर ऑफ एनिमल्स एंड फीदर्स ऑफ बर्ड्स, जैसे जो एनिमल्स हैं उनके फर और हेयर होते हैं वो उनको क्या करते हैं, बाहर के टेम्परेचर को और उनकी बॉडी के टेम्परेचर को या हीट को एक दूसरे में मिलने से रोकते हैं। और जो फीदर्स होते हैं बर्ड्स के, पंख होते हैं, वो भी क्या करते हैं, वो उनको सर्दी गर्मी से बचाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये भी एप्लीकेशन हो गया कंडक्टर्स और इंसुलेटर का। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन भी क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस। कंडक्शन हमने पढ़ा था, कंडक्शन किस में होता है, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स में, और कन्वेक्शन होता है लिक्विड्स और गैसेस में। इन केस ऑफ कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय एक्चुअल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट रीजन टू कॉल्ड रीजन। दीज मॉलिक्यूल्स कैरी हीट एनर्जी विद देम।
कन्वेक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में किसके थ्रू, जब उनके मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट होता है। कंडक्शन में तो ऐसा नहीं था कि पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट हो, लेकिन कन्वेक्शन में पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच मूवमेंट होता है, क्योंकि ये किस में हो रहा है, लिक्विड्स और गैसेस में हो रहा है। लिक्विड और गैसेस में क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं। तो ये हीट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में मूवमेंट होगा, वो मूव करेंगे, तब कैसे जाएंगे वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ, गर्म वाले एरिया से ठंडे वाले एरिया की तरफ। दीज मॉलिक्यूल्स कैरी हीट एनर्जी विद देम, और ये मॉलिक्यूल्स अपने साथ क्या लेके जाते हैं, हीट एनर्जी को लेके जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफ़र इन विच हीट इज़ कैरीड फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ अ सब्सटेंस टू इट्स कूलर पार्ट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ हीट पार्टिकल्स इन इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफ़र होती है जब उसके एक्चुअल मूवमेंट होता है पार्टिकल्स का, और वो हॉट रीजन से कॉल्ड रीजन की तरफ जाते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन रिक्वायर्स मोबाइल मॉलिक्यूल्स, इट इज़ नॉट पॉसिबल इन सॉलिड्स बिकॉज द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर हेल्ड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, so it can take place only in liquids and gases and not in solids। इसमें क्या होता है, ये कन्वेक्शन की प्रोसेस गैसेस और लिक्विड्स में ही क्यों होती है, क्योंकि जो सॉलिड है उनमें आपने पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स या फिर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में क्लोज होते हैं, बहुत पास पास होते हैं, आप सॉलिड चीज़ों को आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो इंटर मॉलिकुलर फोर्स से बंधे हुए रहते हैं, उनमें जो फोर्स होता है वो स्ट्रांग होता है, जिससे वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन वहीं जो लिक्विड और गैसेस हैं उनमें इंटर मॉलिकुलर फोर्स वीक होता है, और उनके पार्टिकल्स अलग अलग होते हैं, फैले हुए रहते हैं, तो इनको तोड़ना या इनको फैलाना आसान होता है। तो जो कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है इसमें मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं, इसलिए ये सिर्फ लिक्विड्स और गैसेस में होता है। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, इन कन्वेक्शन करंट्स के क्या क्या यूज होते हैं। वेंटिलेटर्स एंड एग्जॉस्ट फैंस आर प्लेस्ड टू यूजुअली नियर द सेलिंग ऑफ अ रूम बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर एंड लाइटर, सो इट गोज आउट थ्रू द वेंटिलेटर्स। दिस कॉज अ ड्रॉप इन द प्रेशर इन द रूम, does more fresh air enters the room through the windows and doors। इसमें क्या होता है, जो हॉस्पिटल वगैरह में वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस लगे होते हैं उनमें क्या होता है, वो क्या करते हैं, उनमें सीलिंग लगी होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जो बाहर से एयर आ रही है और हमारे रूम की जो एयर है उनमें डिफरेंस होता है, बाहर की एयर वार्म होती है, तो ये क्या करते हैं, जो वार्मर और लाइट जो एयर है उसको आने से रोकते हैं, और जो एयर का प्रेशर है उसको बैलेंस रखते हैं, ताकि जो पेशेंट है उसको फ्रेश एयर मिल सके। इसलिए वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैंस जो होते हैं वो किस प्रोसेस पे काम करते हैं, कन्वेक्शन करंट्स की प्रोसेस पर। नेक्स्ट है स्मोक एंड गैसेस बीइंग हॉट राइज एंड एस्केप थ्रू चिमनीज इन इंडस्ट्रियल फर्नेसेस। चिमनी वगैरह में जो धुआं है, जो गैसेस हैं, उनको बाहर की तरफ निकालने के लिए भी कन्वेक्शन की प्रोसेस काम में आती है। हीटर्स एंड ब्लोवर्स हीट द रूम बाय सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स। आपने देखा होगा कि सर्दियों में आप हीटर्स को और ब्लोवर्स का यूज़ करते हैं ताकि आपका रूम गर्म रहे। तो ये हीट कैसे पूरे कमरे में फैल जाती है, तो वो कन्वेक्शन की प्रोसेस से फैल जाती है, जिसमें पार्टिकल्स मूव करते हैं, ठीक है। फायरमैन यूजुअली क्रॉल वाइल एंटरिंग अ बिल्डिंग वेयर फायर हैज़ ब्रोकन आउट बिकॉज द हॉट एयर एंड स्मोक राइजेस अपवर्ड्स। आपने देखा होगा जो फायरमैन होते हैं वो कोई बिल्डिंग में आग लगी है तो उसमें कैसे घुसेंगे, क्रॉल करते हुए, मतलब ऐसे लुढ़कते हुए घुसते हैं ताकि जो फायर है वो ब्रोक हो जाए, ब्रोकन हो जाए, और जो हॉट एयर और स्मोक है, जो धुआं है,
वो ऊपर की तरफ चला जाता है, ठीक है, इस तरह वो फायरमैन बचाते हैं। तो ये भी कौन सी प्रोसेस हो गई, कन्वेक्शन की प्रोसेस। नेक्स्ट है, वाटर बीइंग अ बैड कंडक्टर टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू हीट अप देन लैंड एंड ऑल्सो टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कूल डाउन। वाटर को, वाटर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है, अगर वो एक बार गर्म हो जाए तो उसको कूल होने में टाइम लगता है। ड्यूरिंग द डे टाइम लैंड हेड्स अप फास्टर देन वाटर, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेज अप। जो लैंड एरिया है दिन में क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और उससे हीट निकलती है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सी रशेस टू टेक प्लेस ड्यूरिंग नाइट टाइम। और नाइट में क्या होता है, जो ठंडी हवा है वो समुद्र से उठते हुए लैंड की तरफ आती है। लैंड लॉसेस हीट मोर रैपिडली देन वाटर, और लैंड जो है वो ज़्यादा हीट को निकालता है वाटर के कंपैरिजन में। लैंड मतलब ज़मीन। द एयर अबव वाटर इज वार्मर एंड ड्राइज एंड द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड्स टू सी टू फिल द स्पेस। The monsoon is also a convection current set up due to difference in temperature between the sea and the land. Monsoon भी क्या है, एक convection current की तरह setup होता है। क्यों? क्योंकि इसमें temperature में difference आता रहता है किस किस के बीच, जो समुद्र है और जो land है उनके बीच। Hot air is in summer rises from the land and moisture containing cool air blows from the sea, thereby bringing rainfall on the land. क्या होता है, जो हॉट एयर होती है, गर्म हवाएं होती है, वो समुद्र से उठती है और लैंड की तरफ, मतलब लैंड से उठती है, मॉइस्चर हो जाती है, गीली हो जाती है, उनमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है और क्या होती है, धीरे धीरे जाके कूल एयर हो जाती है। कब? जब वो सी तक पहुंचती है, ठीक है, और इसी से क्या होता है, रेनफॉल होता है। नेक्स्ट है, बर्ड्स यूज कन्वेक्शन करंट्स of air to rise higher and glide effortlessly without flapping their wings. Birds भी क्या करते हैं, convection current का use करते हैं जब वो हवा में उड़ते हैं। जब वो height पे होते हैं, बहुत ज़्यादा height पर होते हैं, तो उनको ज़्यादा effort नहीं लगाना पड़ता, मतलब उनको पंखों को बार बार हिलाना नहीं पड़ता, वो glide करते हैं और आराम से without flapping अपने wings को वो उड़ते हैं। तो यहाँ भी कन्वेक्शन करंट्स का यूज़ होता है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे रेडिएशन की।